ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टे। सो एससीएमपी जाते जाते भी अपना सरप्राइजेस देना नहीं छोड़ेगा। आरटीपी नवंबर 23 आया। आई वाज एक्सपेक्टिंग के वही पुराने क्वेश्चंस ऐड होंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कुछ और सब्जेक्ट्स के देखे तो उनमें वही पुराने मॉड्यूल पास्ट पेपर और वो वाले क्वेश्चंस उन्होंने आरटीपी में डाले, बट एससीएमपी में उन्होंने 4 नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। यस सर, आप डिस्कस करोगे हमारे साथ? 101% करूंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए तो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं उस चीज के साथ। सो इफ यू कैन डाउनलोड दिस आरटीपी फ्रॉम आईसीएआई, यस फ्रॉम आईसीएआई बीओएस नॉलेज पोर्टल, तो आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही एक नया क्वेश्चन है। ऐसे और 3 क्वेश्चन है जो मैंने एक एनालिसिस किया है एंड दिस एनालिसिस आई विल वॉन्ट टू शेयर विद यू। सर ये एनालिसिस हमारे को अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, गो क्लिक एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें मैं काम कर रहा हूं एंड वी विल बी ब्रिंग इट ऑन आर यूट्यूब चैनल। थोड़ा बिजी भी चल रहा हूं मैं। AFM का मेरा एक नया बैच चालू है, CA इंटर कॉस्टिंग का नया बैच चालू है। सो वेरी मच ऑक्यूपाइड, बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली आप लोग को ये चीज डिलीवर करनी है। SFM का भी RTP आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा और SFM के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्लान है। इन केस यू हैव एनी फ्रेंड्स यू कैन शेयर इट विद देम। एनीवेज आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दिस कंटेंट। नाउ आरटीपी नवंबर 23 सीए फाइनल एससीएमपी, मैंने देखो 4 क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8 एंड 13। ये नए क्वेश्चंस है। सो एक लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, इज वेरी सिंपल। फिर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन का एक जस्ट इन टाइम का सम है। चैप्टर नंबर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन चैप्टर 7 का एक परफॉर्मेंस पिरामिड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड अभी आज जो मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं दैट इज अ क्वेश्चन ऑन गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब आप अपने सप्लायर के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप एसोसिएट कर रहे हैं इन सच अ वे दैट आप आपके सप्लायर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इन योर बिजनेस By giving him a equity stake, but जब आप किसी को equity stake देते हो तो obviously you expect a lot of things from that person. So वहां पे आप expect कर रहे हो कुछ innovations जो आपका supplier लेकर आएगा, कुछ new ideas, कुछ cost saving techniques जो आपका supplier लेकर आएगा, and that idea cost saving techniques से जो भी benefit होगा that you will share with your supplier at whatever ratio जो आप decide करते हो. So that basically in short is your gain sharing arrangement. एंड इसी से रिलेटेड है आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई जस्ट नीड अ फ्यू यू नो हार्डली 10 मिनट्स एंड क्विकली अपन लोग डिस्कस कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। सो प्लीज अगर अभी तक आप लोग ने डाउनलोड नहीं किया है तो या तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो या इंस्टीट्यूट के BOS नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर लो एंड लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सो ऐसे करके मैं 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैं अभी करवा दूंगा और आने वाले 2-3 दिन में मैं बाकी के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। प्लस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज जो है वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकल वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आई एम श्योर यू आर यूटिलाइजिंग इट टू द बेस्ट मैनर पॉसिबल। अब आ जाते हैं यहाँ पे गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर। सो ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है if you read it properly and if you understand it properly. Oh. The board of studies at CLI Country Law Institute has recently revamped one of its certification courses on law applicable to fintech transactions into law applicable to transactions in fintech, especially the application of blockchain. मतलब बताता हूँ, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट है, इसके जगह आपको लिखना है आप लिख दो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उन्होंने कुछ अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस किए एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, सो ये जो चेंजेस है उसके लिए नया मटीरियल ड्राफ्ट करना पड़ेगा CLI को एंड वो मटीरियल का कॉस्टिंग यहां पे दिया हुआ है। Come, let's read. CLI is expecting increase in enrollment, जो ICAI भी expect कर रहा है new syllabus में. It expects that around 1,000 candidates will enroll for the course in each of the upcoming batch due to enhanced coverage of quality content which is more relevant in current scenario. I don't think so. Institute ने ऐसा किया है,
अब तुम लोग देखोगे ना तो दिस इज वन सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू मेक यू थिंक फ्रॉम द बिजनेस एंगल. बिजनेस एंगल से जो सोचना है ना वो आपको ये सब्जेक्ट सोचने पे मजबूर करेगा, एंड दैट इज वेयर अपने को इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. सी एल आई हैज अ प्रिंटिंग डिविजन विच ऑपरेट्स प्रिंटिंग प्रेस फॉर द प्रिंटिंग ऑफ स्टडी मटीरियल ओनली. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द स्टडी मटीरियल फॉर रिवाइज सर्टिफिकेशन कोर्स इज 1750 पर सेट, बट 2000 इज एडेड टू द कोर्स फी एज अ फी फॉर सेल्फ लर्निंग मटीरियल. व्यूअर्स ऑलवेज आर्ग्यूज द कॉस्ट ऑफ डिस्पैचिंग द पोस्ट ऑफ पोस्ट डिस्पैचिंग एंड पोस्टिंग द स्टडी मटीरियल कैंडिडेट इज ऑलवेज मोर देन 250. मतलब बोलो क्या बोल रहे हैं कि 1750 पर सेट का हमारा कॉस्ट है पर हम लोग 2000 चार्ज करेंगे. अरे बट ये 2000 में तुम इंक्लूडिंग कुरियर चार्ज कर रहे हो तो 1750 प्लस 250 का कुरियर तो एग्जैक्ट 2000 हुआ. बट कभी कभी तो कुरियर चार्जेस 250 से भी ज्यादा हो जाता है. मतलब यूएस यू आर एक्चुअली इंकरिंग अ लॉस. ठीक है. व्यूअर्स ऑलवेज आर्ग्यूज द कॉस्ट ऑफ डिस्पैचिंग द पोस्टिंग द स्टडी मटीरियल इज ऑलवेज मोर देन 250 इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस. हेंस 2000 इज सब्सिडाइज्ड प्राइस एंड सच डिफरेंस इज मेट विद ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज. अब ये लोग तो क्या होता है गवर्नमेंट एजेंसीज है तो इनको सब्सिडी मिल जाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस भी होता है. सिंस द स्टडी मटीरियल इज डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स पर्सन एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हेंस रॉयल्टी विल बी पेड बाय सीएलआई टू सच ऑथर्स. सो अब ये जो नया कंटेंट बनने वाला है ये कौन बनाएगा? एक नए ऑथर्स बनाएंगे और वो जो ऑथर्स बनाएंगे उसको ये लोग क्या देंगे? रॉयल्टी. कितना रॉयल्टी? अब देखते हैं आगे कितना दे रहे हैं वो. अब ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहां से अपने को एनालिसिस स्टार्ट करना है बॉस. आओ. द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट ₹560, लार्जली पेपर सप्लाई ऑफ विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹265, वेरिएबल ओवरहेड 725. आ गया, देखो वो आ गया, इंक्लूडिंग रॉयल्टी फीस ऑफ ₹200. तो रॉयल्टी पर मटीरियल कितना दे रहे हैं अपन लोग ऑथर्स को? 200 पर मटीरियल दे रहे हैं. टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स एट्रीब्यूटिंग टू प्रिंटिंग ऑफ 1000 सेट ऑफ स्टडी मटीरियल ऑफ रिवाइज सर्टिफिकेशन कोर्स इज 2 लाख, ऑफ विच 1,20,000 इज कमिटेड इन नेचर, हेंस कांट बी अवॉइडेड. तो इसका मतलब रेलेवेंट कितना हुआ? ओ भाई समझे क्या क्वेश्चन? बोलो क्या बोल रहे हैं भाई? टोटल 2 लाख का फिक्स कॉस्ट है, उसमें से 1,20,000 तो ऑलरेडी कमिटेड है, मतलब बचा कितना आपका? 80,000 बचा. दिस 80,000 इज अ रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट. यस, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. सो ये यहाँ पे अपने को 2 लाख नहीं, खाली 80,000 को रेलेवेंट गिन के सॉल्व करना है. बाकी 1,20,000 तो होने ही वाले, भले ये वाला डिसीजन अपन कुछ ले कि ना ले. डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन दे दिया है. मटीरियल कॉस्ट आर ऑन सीआईएफ बेसिस सिंस द बुक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, हेंस क्रेडिट इज नाइदर बुक नॉर क्लेम बाय प्रिंटिंग डिवीजन. बराबर है, वो लोग क्रेडिट इसका क्लेम कर नहीं सकते बिकॉज आप बुक सेल एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, तो आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है. अगर आप वो चीज एग्जेम्प्ट है देन इन दैट केस आप उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकते, ये तो आपको पता ही होगा. आईडीटी एक्सपर्ट्स कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन व्यू हैज साइन द रिक्वायरमेंट टू प्रिंट 1000 सेट एंड सेंड द सेम फॉर अप्रूवल. इन द मीन टाइम गवर्नमेंट केम अप विद नोटिफिकेशन दैट ग्रांट एंड एड टू सीएलआई विल बी डिस्पेंस्ड. ये सब टाइम पास चीज है. इज कंसर्न विद द कॉस्ट एफिशियंसी और वो लोग बोल रहे हैं कि एंड कंसिडर प्रिंटिंग इज नाइदर अ वैल्यू जनरेटिंग नॉर अ स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यार ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग अपने को इनहाउस क्यों करना है यार? भाई ये जो है ना ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, दिस इज अ ब्रेकअप ऑफ इन हाउस प्रिंटिंग ऑफ मटीरियल. तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो बोल रहे हैं कि क्यों इन हाउस कराना है अपने को. भाई इन हाउस प्रिंटिंग कोई वैल्यू एडिशन एक्टिविटी तो है नहीं, तो उससे अच्छा है तो उसको आउटसोर्स कर देते हैं ना. भाई इन हाउस वही काम करना चाहिए जिससे वैल्यू एड होता है. आप बात सही है, बहुत 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 वैल्यूएबल पॉइंट बोला है चेयरपर्सन ने. हेंस ऑन ऑफिस ऑर्डर टू एडवर्टाइज फॉर ई टेंडर साइंड बाय चेयरमैन. सो एन ऑफिस ऑर्डर टू एडवर्टाइज फॉर ई टेंडर कि भाई अगर हमको इसको आउटसोर्स करना है तो कौन ये टेंडर लेने को रेडी है. मिस्टर गुरुमूर्ति वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल अपोजेस चेयरमैन स्टेटिंग दैट व्हाट अबाउट क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई क्वालिटी दे पाएगा क्या वो तुम्हारा जिसको तुम आउटसोर्स कर रहे हो? कॉन्फिडेंशियल रख पाएगा इतना इंपॉर्टेंट डेटा? तो अपन उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे ना गुरुमूर्ति जी,
दैट भाई प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल, द क्वालिटी शुड बी ऑफ दिस लेवल, यू कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. मिस्टर व्यास अनदर मेंबर ऑल्सो आर्ग्यूज दैट कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रिंटिंग विल कम डाउन ड्यू टू लर्निंग कर्व, बट आउटसोर्स सप्लायर विल कीप ऑन चार्जिंग द सेम प्राइस. तो वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा. चेयरपर्सन मेंशन दैट रीसेंट डेज दैट देर इज समथिंग अबाउट अ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. He further mentions the GSA clause shall be inserted in outsourcing contracts, but Mr. Vyas highlights the high failure rate of GSA, whereas some other members say don't even know what GSA actually means. So, अगर आपको नहीं पता है तो YouTube पे मेरा एक वीडियो है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट बाय संकल्प कांस्टेय, टाइप करें, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वॉट एक्जैक्टली इज अ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. दिस इज फॉर पीपल लाइक मिस्टर व्यास एंड अदर्स. बाबा तुम लोग ने तो देख ही लिया होगा ना. अगेंस्ट द टेंडर, हाँ यूट्यूब पे मैं ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के मेरे एक्सप्लेनेशन का भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो भी देख लेगा. ओके हैप्पी, चल डन. टेलीग्राम चैनल पे सॉरी. अगेंस्ट द टेंडर एन आउटसोर्सिंग प्रपोजल फ्रॉम जनता प्रेस इज ऑल्सो रिसीव्ड, इन विच दे ऑफर टू प्रिंट 1000 सेट ऑफ एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 14.5 लैक्स. The cost include insurance and freight till delivery at CLI stores. Royalties are still to be paid. Point to be noted, Your Honor. भाई तुम outsourcing करो या in-house करो, royalty तो 200 रुपए का pay करना ही पड़ेगा. समझ रहे हो ना तुम लोग, एक outsourcing order आया है जो बोलता है 1000 copy at 14,50,000 चाहिए तो करके देगा. कौन कर रहा है ये? ये कर रहा है जनता प्रेस, बड़ा आदमी है कोई. Royalties are still to be paid, but at the sale of a set. Janta Press is in the same business for last 20 years and renowned for quality. तो कौन बोला था quality? तो यहाँ पे देखो Mr. व्यास बोले थे ना कि गुरुमूर्ति जी बोले थे that quality का क्या? तो बॉस जनता प्रेस जिसको outsourcer है quality में बहुत champion है. Janta Press is also awarded by local government and other agencies for using 100% recycled paper. क्या बात है, क्या बात है. So I think they are really very good people, जनता सेट. बट क्या अपने को वो चीज फाइनेंशियली परवर्ड रहा है क्या, इज वॉट नाउ वी विल सी एंड टेक अ डिसीजन. अब मैं आप लोगों को पूरा इसका एक जिस्ट बता देता हूं, दैट सीन क्या चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, सीन क्या चल रहा है यहाँ पे, ये एनालिसिस वाले शीट में ही मैं यहाँ पे एड कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटिंग टू गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे है CLI. अब ये लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो ये लोग इन हाउस बनाए या ये लोग आउटसोर्स कर दे. अगर इन हाउस बनाते हैं तो इनको डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा, बोलो बोलो, टेल टेल. 560, डायरेक्ट लेबर 265, वेरिएबल ओवरहेड 725. सो देखो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट लगेगा 560, डायरेक्ट लेबर 265, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 725, ओके, इंक्लूडिंग 200 का रॉयल्टी, इंक्लूडिंग 200 का रॉयल्टी, ओके, एंड 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 सामने फिक्स्ड ओवरहेड भी लगेगा. अच्छा अभी इसका टोटल कितना आता है देखो जरा, तो 560 प्लस 265 प्लस 725, तो 1550 पर सेट का कॉस्ट आ जाएगा. बराबर है, 1550 पर सेट मल्टीप्लाई बाय अपना जो ये बात चालू है. कैन आई से दिस इज फॉर हाउ मेनी सेट्स, कैन आई से दिस इज टू प्रिंट 1000 सेट्स. दिखा यहां पे, दिस इज टू प्रिंट 1000 सेट्स. देखो मैं फ्लो में ही पूरा ये सम सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोगों के पास भी टाइम कम है राइट, सो आपको भी क्विकली चाहिए कि सॉल्व हो जाए, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सो इनटू 1000 सेट्स, इनटू 1000 सेट्स, तो मेरा यहां पे खर्चा आ जाता है रुपीज 1,50,50,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, तो मेरा कॉस्ट टोटल आ जाता है रुपीज 16,30,000 अगर मैं इन हाउस बनाता हूं. बट अगर मैं इसी को आउटसोर्स कर देता हूं तो जनता वाला कितना ले रहा है, वो बोलता है 14,50,000. जनता वाला क्या बोल रहा है, रुपीज 14,50,000 प्लस, वो क्या बोल रहा है, प्लस 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 रॉयल्टी भी तो लगेगा. यहाँ पे रॉयल्टी तो ऐड ही नहीं किया भाई, देखो कुछ भी हो जाए इसमें क्या बोला है, ये देखो क्या बोला है, रॉयल्टीज आर टू बी पेड बाय CLI टू ऑथर्स. अगर जनता प्रेस से ले रहे तो भी, जनता प्रेस तो खाली प्रिंटिंग कर रहा है,
ऑथर का काम तो ऑथर करने ही वाला है, इन हाउस करो, आउटसोर्स करो, कुछ भी करो, है कि नहीं। So, यहाँ पे अपन लोग बोलते हैं रॉयल्टी रुपीज 2 लाख। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है, ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है ₹16,50,000। ओ जनता इज जस्ट मोर, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाय 20,000। एंड अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट देखोगे, इवेल्युएट द आउटसोर्सिंग प्रपोजल फ्रॉम जनता प्रेस एंड एडवाइस द गवर्निंग बॉडी वेदर द सेम शैल बी एक्सेप्टेड और नॉट। ये मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है एक फ्लो में। इसका प्रॉपर अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो ये आप लोग के पास मैं शेयर कर रहा हूं, राइट। सो वी विल से बाय 20,000 से जनता ज्यादा है। अभी क्लियर गाइस, समझ में आया? कोई डाउट हो कमेंट्स पे आप डाल देना, आई विल रिप्लाई। समझ में आया तो भी कमेंट पे डाल देना भाई कि भाई ये आप खुद से कर पाए थे कि नहीं। चलो डन, गॉट इट गाइस। सो इन हाउस में 20,000 चीप पड़ रहा है। दो तीन मिस्टेक जो यहाँ पे हो सकता है आप लोग से, फर्स्ट इज दिस रॉयल्टी टू द ऑथर 2 लाख, ये मिस हो सकता है। या तो इधर इंक्लूड ही मत करो, बट अगर इंक्लूड कर रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे भी इंक्लूड करो, या तो दोनों जगह पे 200-200 हटा दो तो वो इरेलेवेंट कॉस्ट करके हट जाएगा तो भी चलेगा, इंक्लूड किया तो भी चलेगा। 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट, यू विल बी टेम्प्टेड टू टेक 2 लाख, बट याद रखना 2 लाख रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट खाली 80,000 है, समझियो। चलो सो इसी के साथ मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड दो पार्ट जो है दे आर मेनली थ्योरी बेस्ड। आओ देखते हैं क्या है वो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंसिडरिंग द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द केस स्टडी एंड आर्ग्यूमेंट रेज बाय द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी आइडेंटिफाई टू हाईलाइट एंड इवेल्युएट नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर एंड अगेंस्ट। मतलब बेसिकली वो बोल रहा है, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस अलाउज कंपनीज टू फोकस ऑन वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी AFM का मेरा बुक बना रहा हूं, तो AFM के कंटेंट के ऊपर मैं काम करूं और उस पर टाइम दू, दैट इज वैलिड। बट उसके प्रिंटिंग के ऊपर भी मैं भागू, फिर प्रिंटिंग बराबर हुआ है कि नहीं वो सब के ऊपर जाऊं, तो मेरे लिए तो वो कोई वैल्यू एडिशन एक्टिविटी नहीं है, कंटेंट पे मेरा वैल्यू एडिशन है। अब अगर मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूं तो कहना इसे मेरा एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी मैं आउटसोर्स कर रहा हूं, और अब वो उसका टेंशन है, वो अच्छी तरह से जो उसको क्वालिटी बोला है वो करके देगा। सो अलाउज कंपनीज टू फोकस ऑन वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, तो आउटसोर्स कर दो ताकि अपन अपना जो जेन्युइन वाला काम है वो कर। दूसरा, ये केस में जो आउटसोर्सर है वो रिसाइकल्ड पेपर यूज करता है, एंड एज पर ट्रिपल बॉटम लाइन कैन आई से दिस इज व्हाट वी वांट, राइट, एंड हेंस एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो अधियर्स टू ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड थर्ड है एक्सपीरियंस्ड है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है भाई साहब, तो अच्छा खासा रेप्यूटेशन है, सो क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का अपने को टेंशन नहीं यहां पे रहेगा। अब इसका ही सोल्यूशन RTP में वो लोग ने डिटेल में दिया हुआ है, अपने को एग्जाम में ये लिखकर आना है, वो तुम लोग के लिए मैंने रेडी रखा है, राइट। चलो अच्छा लगा, डेफिनेटली क्लिक अ लाइक। चलो डन, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है? अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो भाई हम लोग को बुक्स टाइम पे पहुंचाना होता है स्टूडेंट्स को। अगर ये जनता प्रेस वाला 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो अगर ये डिले कर दिया तो डिलीवरी में, सो दैट कैन बी अ बिग इशू टू मी। सो रिलायबिलिटी ऑफ आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर टू मीट टाइमलाइन एंड कंटिन्यूटी। और दूसरा डिसएडवांटेज, इन हाउस स्टाफ का क्या करूं मैं, वो लोग को रिट्रेंच कर दूं, ले ऑफ कर दूं, और मेरे पास जो स्पेयर कैपेसिटी बचेगा उसका मैं क्या करूं। वो दो डिसएडवांटेजेस है, बाकी एडवांटेजेस आर वेरी हाई। नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी वाइज 20,000 का ही फर्क है, विच आई थिंक सो इज मिनिस्क्यूल, सो मेरे हिसाब से उनको आउटसोर्स कर देना चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एडवाइस द गवर्निंग बॉडी वाई डू GSA फेल्स एंड वॉट कैन CLI डू टू मेक गेन शेयरिंग वर्क इफेक्टिवली। सो आ जाओ भाई, गेन शेयरिंग का मतलब क्या होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू,
मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ, प्लीज उसको यूज कर लेना, वो वीडियो देख लेना। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। फॉर नाउ गिविंग इक्विटी पार्टिसिपेशन टू सप्लायर एंड इन टर्न सप्लायर क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज एंड कॉस्ट सेविंग एडवाइसेस देता है। विन विन सिचुएशन हो गया दोनों पार्टी के लिए, और उसके लिए हम लोग उसको दे रहे हैं इक्विटी पार्टिसिपेशन। मेरे को क्या फायदा हुआ, इनोवेटिव आइडियाज मिला, मेरे को क्या फायदा हुआ, कॉस्ट सेविंग हो गया, उसको क्या फायदा हुआ, ये देने का इक्विटी में शेयर मिला तो उसको पैसा मिल गया, राइट। बट क्यों जीएसए फेल जाता है एंड उसका चेक पॉइंट्स क्या है, तो अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इफ दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली, इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर, आपको आपके सप्लायर के ऊपर, देन इट इज गोइंग टू फेल मिजरेबली। वो हो ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो आउटसोर्सर है, जैसे यहाँ पे अपन लोग ने देखा अपना जो आउटसोर्सर है ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड रेप्यूटेड, सो वी कैन गो अहेड। दूसरा, ड्राफ्ट अ विन विन सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए खाली मेरा ही फायदा फायदा हो रहा है, खाली उसका ही उसका फायदा हो रहा है, इट शुड बी अ बैलेंस्ड विन विन सिचुएशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब भी अच्छी तरह से जाएगा व्हेन इट इज अ विन विन सिचुएशन। एंड लास्ट इज, थर्ड लास्ट, सेकेंड लास्ट इज इनोवेशन, जो अपने को दो करवाना है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी उसको आइडियाज दे सकते हैं इनोवेशन के लिए। एंड जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट शुड बी स्पेसिफिक, एंड आपको जो निगोसिएशन करना है बी रेडी विद द निगोसिएशन सो दैट जीएसए इज सक्सेसफुल। सो जीएसए फेल क्यों होता है, यही पुअर ड्राफ्टिंग, पुअर स्ट्रक्चरिंग ऑफ क्लॉजेस, इंप्लीमेंटेशन बराबर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, देन इन दैट केस इट इज बाउंड टू फेल। बट वी कैन सेव इट, हाउ, आउटसोर्सर अच्छा हो, विन विन सिचुएशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इनोवेशन को शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, एंड बी स्पेसिफिक इन वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द आउटसोर्सर। ऑलराइट गाइस, सो इसी के साथ कंप्लीट होता है ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आरटीपी। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको चाहिए डेफिनेटली, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, सो एज आई टोल्ड यू, क्विक एंड क्रिस्प इज व्हाट आई वांटेड, एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन। ठीक है, बाकी और कुछ भी आप लोगों को चाहिए लेट मी नो, एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हास्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच।